तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो बेस्ट वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर्स को, जिन्हें आप अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी, अपने पीसी या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। वैसे आप इन दोनों ही कंट्रोलर्स को अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हो और इन दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करेंगे इन दोनों ही बेस्ट वायरलेस गेम पैड्स का, और साथ ही साथ वीडियो में आखिरी में हम बात करेंगे कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के फिजिकल ओवरव्यू और क्वालिटी की। तो पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने इस Redgear Pro Wireless गेमिंग कंट्रोलर की। वैसे ये मेरा सबसे पुराना गेमिंग कंट्रोलर है और इसे यूज़ करते हुए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। सामने की तरफ आपको Redgear की ब्रांडिंग मिलेगी और इसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली इसके होम बटन को प्रेस करना है और गेम पैड ऑन होने पर आपको इन चार कीज पर बैकलाइट भी मिल जाएगी। और उसके अलावा बीच में भी आपको कुछ LED लाइट्स मिलती हैं जो कि इसके कनेक्टिविटी और बैटरी चार्जिंग स्टेटस के बारे में आपको बताती है। अब ओवरऑल इस पर मिलने वाली कीज़ की क्वालिटी की ये तो हम बात करें, तो यहाँ पर आपको सभी के सभी कीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में मिलती है। हालांकि इसकी कीज़ और जॉयस्टिक की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का क्लासिक टाइप के अनलॉक ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं। गेम पैड में साइड्स में आपको कुछ इस तरह की रबराइज ग्रिप्स मिलती हैं, तो ऐसे में इसे होल्ड करना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि इसका वेट इतना ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन साइड में रबराइज ग्रिप्स होने के कारण इस पर आपको काफ़ी बढ़िया होल्ड मिलता है। ऊपर की तरफ इसमें आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा, जिसमें आप अपनी कोई भी माइक्रो यूएसबी केबल को लगाकर इसे चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कॉस्मिक बाइट के इस नेब्यूला वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर के बारे में। तो हमारा ये गेम पैड आता है कुछ इस तरह के ब्लैक और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, और ये ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगता है। ये गेम पैड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, और ये तो मैं इसे कंपेयर करूँ अपने Redgear Pro वायरलेस कंट्रोलर के साथ में, तो हमारे ये कॉस्मिक बाइट का नेब्यूला Redgear Pro के कंपेरिजन में काफ़ी लाइट वेट फील होता है। सामने की तरफ आपको कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग मिलेगी और इसे ऑन करने के लिए आपको पीछे की तरफ एक डेडिकेटेड ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा, और गेम पैड ऑन होने पर आपको इन चार कीज पर भी बैकलाइट मिल जाएगी, जिससे आपको इस वायरलेस कंट्रोलर पर एक प्रोफेशनल फील मिलेगी। यहाँ बीच में भी आपको कुछ LED लाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि इसके कनेक्टिविटी और बैटरी चार्जिंग स्टेटस के बारे में हमें बताती है। अब ओवरऑल इस पर मिलने वाली कीज़ की क्वालिटी की ये तो हम बात करें, तो यहाँ पर भी आपको सभी के सभी कीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में मिलती है, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह के ब्रॉड टाइप के अनलॉक ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, जो कि डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ इस कंट्रोलर पर हमें फुल रबराइज टेक्सचर मिलता है, तो ऐसे में ये गेम पैड होल्ड करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ऊपर से इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में यही तो आप ज़्यादा देर तक गेमिंग करना पसंद करते हो, तो ये गेम पैड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं इन दोनों की बैटरी और वायरलेस रेंज की। तो कॉस्मिक बाइट नेब्यूला वायरलेस गेम पैड पर आपको 600 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज होती है, और बैटरी एक बार इसकी फुल चार्ज होने पर आप इसे कंटिन्यूसली 12 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो, जो कि सही में एक बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप है। और उसके अलावा इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें, तो इस पर आपको 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है, और वहीं हमारे Redgear Pro पर भी आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप मिलता है। ये गेम पैड भी 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज होता है, और एक बार फुल चार्ज होने पर आप इससे कंटिन्यूसली 8 से 10 घंटे तक गेमिंग कर सकते हो। और इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें, तो गेम पैड पर आपको 6 से 8 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है। अब बात करते हैं हम इनके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो आप इन दोनों ही कंट्रोलर्स को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी, अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी बॉक्सेस, पीसी या फिर OTG अडैप्टर का यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही कंट्रोलर्स आते हैं USB वायरलेस रिसीवर के साथ में, जहां हमारा Redgear Pro वायरलेस गेम पैड आता है इस नैनो USB वायरलेस रिसीवर के साथ में, और वहीं कॉस्मिक बाइट नेब्यूला वायरलेस गेम पैड के साथ में आपको कुछ इस तरह का नॉर्मल साइज वायरलेस रिसीवर देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम एक एक करके पहले तो इन्हें कनेक्ट करेंगे अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में, और उसके बाद हम इन दोनों को ही अपने पीसी के साथ में भी टेस्ट करेंगे। तो गेम पैड को अपने स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इनके साथ में आए हुए USB वायरलेस रिसीवर को अपने टीवी के USB पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपको गेम पैड पर इस होम बटन को प्रेस करना है, और आपका गेम पैड इंस्टेंटली आपके स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी के साथ में पेयर हो जाएगा। तो गेम पैड अब हमारा टीवी के साथ में पेयर है, और मैं जल्दी से आपको यहाँ से एक गेम को प्ले करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इनकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सके। और पहले हम यहाँ पर प्ले करेंगे इस Asphalt 8 गेम को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी ये Redgear का प्रो
स्मार्ट टीवी के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। डिले भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती और सभी के सभी कीज भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। हालांकि कॉजिक वाइड नेबुला के कंपैरिजन में इस कंट्रोलर का वेट जो है वो इतना ज़्यादा कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो आपको साइड में रबराइज ग्रिप मिलती है तो ऐसे में गेम पैड होल्ड करने में काफ़ी कंफर्टेबल बन जाता है और इसीलिए इस पर आपको काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलिए अब हम अपने इस कॉजिक वाइड नेबुला कंट्रोलर को भी अपने स्मार्ट टीवी के साथ में जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। और जिस तरह से हमने अपने रेड गियर प्रो गेमिंग कंट्रोलर को अपने स्मार्ट टीवी के साथ में पेयर किया था, सेम उसी तरह से आपको इस गेम पैड को भी अपने टीवी के साथ में पेयर करना है। जैसा कि आप इस गेम प्ले को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हमारा ये कंट्रोलर स्मार्ट टीवी के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। डिले भी हमें यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती और इसकी भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस कंट्रोलर का वेट जो है वो काफ़ी कम है और ऊपर से इस पर आपको फिंगर प्रिंट सेंसर भी मिलता है, तो ऐसे में ये गेम पैड होल्ड करने में सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और यही तो आप ज़्यादा देर तक गेमिंग करना पसंद करते हो तो फिर तो आपको डेफिनेटली इसी गेम पैड की तरफ जाना चाहिए। तो अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के बाद अब हम इन कंट्रोलर्स को अपने पीसी के साथ में भी टेस्ट करेंगे और हमारा कंप्यूटर इन दोनों ही गेम पैड्स को एज अ एक्सबॉक्स कंट्रोलर रिकॉग्नाइज करता है। और जिस तरह से हमारे इस रेड गियर प्रो वायरलेस कंट्रोलर ने हमारे स्मार्ट टीवी के साथ में काम किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर ये पीसी पर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। और उसी तरह से हमारा ये कॉजिक वाइड का नेबुला वायरलेस कंट्रोलर भी हमारे पीसी के साथ में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है और हमारा पीसी इन दोनों ही गेम पैड को एज अ एक्सबॉक्स कंट्रोलर रिकॉग्नाइज करता है। और उसके अलावा मैंने इन दोनों ही कंट्रोलर्स की वाइब्रेशन मोटर्स को भी टेस्ट किया था, जहाँ हमारे कॉजिक वाइड नेबुला पर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रॉन्ग और बढ़िया वाइब्रेशन फीडबैक मिलती है, वहीं रेड गियर प्रो पर भी आपको काफ़ी बढ़िया वाइब्रेशन फीडबैक मिलती है, लेकिन कॉस्मिक बाइट के वायरलेस कंट्रोलर की वाइब्रेशन फीडबैक इससे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हमारे दोनों ही गेम पैड्स की वाइब्रेशन मोटर्स हमारे स्मार्ट टीवी के साथ में तो वर्क नहीं करती, लेकिन पीसी पर कुछ गेम्स पर ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में अब हम बात करते हैं कि आपको इन दोनों ही कंट्रोलर्स में से कौन से गेम पैड की तरफ जाना चाहिए। वैसे परफॉर्मेंस और क्वालिटी इन दोनों ही गेम पैड्स पर आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है, लेकिन वेट कॉस्मिक बाइट नेबुला का रेड गियर प्रो वायरलेस गेम पैड से काफ़ी कम है और ऊपर से इस पर आपको फुल रबराइज टेक्सचर भी मिलता है। और उसके अलावा जितनी बढ़िया इस गेम पैड पर आपको क्वालिटी और परफॉर्मेंस मिलती है, उतनी ही बढ़िया इस गेम पैड की लुक्स भी है। और मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आने वाला ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गेम पैड है। और यही तो इन दोनों ही कंट्रोलर्स में से मुझे कोई एक गेम पैड को सिलेक्ट करना हो तो मैं तो कॉस्मिक बाइट वायरलेस गेम पैड की तरफ ही जाऊंगा। वैसे प्राइजेस इन दोनों ही गेम पैड्स के ऑलमोस्ट सिमिलर है और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कॉस्मिक बाइट वायरलेस गेम पैड की तरफ ही जाइए। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।